Assalamualaikum, मोहम्मद शुएब फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज मौजूद हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में। बात करेंगे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सपो 2022 प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, इसकी आज हम बात करेंगे। एक छत तले सब, इसकी भी बात होगी। ये 3 दिन का इवेंट है। इन 3 दिनों में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपने अपने स्टॉल्स लगा रही हैं और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको डिस्प्ले कर रही हैं। हम ये बात जरूर करेंगे कि मौजूदा हालात में जिस तरह हम बात करते आए कि मंदी का रुझान है, बात करते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थोड़ी सी मंदी आई है, क्या इस एक्सपो से उस मंदी का खात्मा होगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बड़ा तावुन हासिल है, इदारों का बड़ा तावुन इस एक्सपो को हासिल है। 3 दिन की गहमा गहमी आपको दिखाएंगे, रहिए मेरे साथ। और इसके रूह रवान जिन्होंने इसका ख्वाब देखा, जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शकील मुनीर साहब साथ हैं कुछ गुफ्तगू उनसे। सर, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या बैकग्राउंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें यहाँ आए विजिट किया। देखिए, मेहनत तो ये तकरीबन हमारी 3 महीने से हम इसके ऊपर एफर्ट कर रहे थे और इसमें इसकी प्रेपरेशन में मेरी पूरी टीम, मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेम्बरान जो हैं वो सारे इसमें शामिल थे और उन्होंने और मेरे सीनियर्स ने मुझे इसमें गाइडलाइन दी और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने इस पर एफर्ट की और तमाम हमने ब्रांड्स को यहाँ पे हम लेके आए। हम इसमें आप देखें यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सब आए हैं, या डेवलपर्स हैं यहाँ पे एलाइड इंडस्ट्री सारी जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पे हमने इस दफ़ा फर्नीचर के लिए लोगों को, क्योंकि फर्नीचर भी एक नीड है बेसिक हाउसिंग की, फर्नीचर के लिए एक अलग से हमने एक मार्की लगा के उसमें उसका डिस्प्ले रखा है। इसके साथ हमने किड्स अरीना यहाँ पे रखा है, फैमिलीज आए यहाँ पे, फूड कोर्ट बनाया है जिसमें फूड कोर्ट में भी आप देखें तमाम इस्लामाबाद के मेजर ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी प्रॉपर हमारी इनॉग्रेशन नहीं हुई है लेकिन फुटफॉल माशाल्लाह यहाँ पे इस तेजी से बढ़ रहा है और इंशाल्लाह वो जो एक सुकूत तारी था इस रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, इंशाल्लाह उसमें अब बेहतरी आएगी, दोबारा से लोगों के कारोबार फ्लॉरिश करेंगे और इस एग्जीबिशन से इंशाल्लाह रिवाइवल फॉर इकॉनमी होगा। सर, वाकई 2-3 महीनों से यही हमने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में थोड़ी सी मंदी का रुझान देखा गया। जितनी बड़ी सोसाइटीज है वहाँ पर हम यही देख रहे थे कि इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं हो रही थी। अब बड़े बड़े नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं, 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और जो नाम इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, तो ये कितना, आपने तो कह दिया कि रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले 1-2 महीने जो कि ज़रा हम एक तरफ फ्लड्स को भी देख रहे हैं, एक तरफ हम हालात ख़राब भी देख रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर जिम्मेदारी आ गई है कि आइंदा आने वाले हालात में, दिनों में, महीनों में, सालों में हमें नए शहर बसाने हैं, नई बस्तियां आबाद करनी है, नए आशियाने बनाने हैं। जी बिल्कुल, आप देखें इस वक्त अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा रुझान है, लोग रूरल एरिया से सिटी की तरफ आ रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर हमें हाउसिंग की बहुत ज़्यादा नीड है और लैंड भी कम है, उसके उसमें हमें हाई राइज की तरफ भी जाना है। तो इसमें आप देखें हम डिवेलपर को जब इंकरेज करेंगे तो वो डेफिनेटली फिर इस एरिया में जो है मजीद डेवलपमेंट होगी। आप देखें यहाँ पे हमने आज शोदा के लिए भी हमने यहाँ पे वो रखा हुआ है कि शोदा को भी हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से और उसके साथ साथ हम यहाँ पे फ्लड रिलीफ के लिए भी हमने यहाँ पे एक कैंप लगाया हुआ है और उसमें इस्लामाबाद चैम्बर पहले से काम कर रहा है फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के ऊपर। एक जुमला आखिर में इस इवेंट का, एक जुमले में अगर मैं पूछूँ मकसद क्या है? इस इवेंट का मकसद ये है कि इस्लामाबाद जो के जो आबादी जो तेज़ी से बढ़ रही है उसकी हाउसिंग नीड्स को पूरा करना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग हमारे साथ है, नया पाकिस्तान हमारे साथ है और हमारी कोशिश है कि इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन रिहायशी और कारोबारी जो अवेलेबिलिटीज़ है, कारोबारी मौके हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें और इंशाल्लाह इससे समझता हूँ कि रिवाइवल इकॉनमी जो है वो होगी इंशाल्लाह। अल्लाह को कामयाब करे, इस मकसद में बहुत शुक्रिया साहब मौजूद थे। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जमूत खान साहब साथ मौजूद हैं, आए हैं विजिट करें, जरा उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आकर पहला इंप्रेशन क्या पड़ा और उसके बाद इनका कितना इम्पैक्ट आएगा इस ऐसे इवेंट। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला इंप्रेशन क्या है इस इवेंट का? देखें जी, बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के मरकज़ में यहाँ पे आज इस्लामाबाद चैम्बर
ने बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 3-4 दिन यहाँ पे रहेगा और थोड़ी देर बाद इसकी बड़े पैमाने पे ओपनिंग है और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पूरे पाकिस्तान से हर लेवल पे मौजूद हैं और इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए ताकि शहरियों का जो इंट्रैक्शंस है इसके साथ और इसका इंट्रोडक्शंस इंडस्ट्रीज का वो होना चाहिए बजाय इसके कि शहरी दूर दराज मार्केटों में जाएं। अगर ये एक जगह पे बिल्कुल सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं और अपना एक उनको पूरा प्रोजेक्ट पेश कर देती हैं कि वो क्या क्या सेल कर रहे हैं और किस लेवल पे पूरे पाकिस्तान में, तो बड़ा अच्छा इम्पेक्ट जाएगा। और उससे बड़ी बात है कि इस वक्त क्योंकि पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और अगर इंडस्ट्रीज वालों को इस तरह के इवेंट मिलते रहें जो बिलखसूस सिंध के अंदर इंडस्ट्रीज हैं या बलूचिस्तान के अंदर या हमारे पंजाब या केपीके के अंदर, तो उनको मैं समझता हूँ एक मौका मिल सकता है अपनी बहाली का। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर बाकी जो चैम्बर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको भी इस तरह के एक्सपो करना चाहिए। बिल्कुल, देखा है प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, या हम अगर बात करें हाउसिंग की, बड़ा अहम है। हुकूमत का तावन, हुकूमत की सपोर्ट ऐसे इवेंट्स के लिए बहुत अहम होती है। अब ज़रा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, हम अगर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, हम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, इन सबके सपोर्ट जो है, गवर्नमेंट की सपोर्ट ऐसे इवेंट्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट लाता है? देखिए जी, गवर्नमेंट तो साथ होती है हर अच्छे काम के लिए और इसके अंदर जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ चैम्बर के बिहाफ पे खड़ी होती हैं हर जगह पे। सिर्फ ये है कि लीड जो है वो चैम्बर्स को करना पड़ता है और पीछे सारी गवर्नमेंट, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं, मिनिस्टर साहबान हैं, बाकी जो लोग हैं, मैं समझता हूँ अच्छे काम के लिए सब के सब यकजा हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छे काम के लिए सब यकजा हैं, यकजा होना चाहिए। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सियासी और समाजी शख्सियात भी आ रही हैं, एंकर्स भी आ रहे हैं। हिना चौधरी एंकर भी हैं, आरजे भी, एनवायरनमेंटलिस्ट भी हैं, टेस्ट 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 कहते हैं हम इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, एक तो यहाँ पे विजिट भी किया। हिना, मौजूदा हालात में कोविड ने भी नुकसान पहुँचाया है, फ्लड्स भी हम देख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी सी आ गई है इस वक्त ना रियल इस्टेट इंडस्ट्री पर भी, हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? एक तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में, लोग दूर दूर से आके पार्टिसिपेट भी करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। आपके सवाल का जवाब किसी इवेंट के हवाले से दूंगी, जब ऐसे इवेंट्स होते हैं लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, दे गेट टू नो कि वो क्या प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, यहाँ पर काउंटर्स हैं, यहाँ पर जाकर अपनी डिमांड्स बता सकते हैं और वो चीज़ इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। हमारा सबसे बड़ा मसला, हम रियल इस्टेट कंपनीज की बात करते हैं तो ट्रस्ट डेफिसिट का है। एक ओवरसीज़ की बात करें और पाकिस्तान में मौजूद एक शख्स, चाहे वो मर्द है, औरत है, किसी भी एज ग्रुप से उसका ताल्लुक है, वो कैसे ही इत्मीनान रखे कि जो वो प्रॉपर्टी ले रहा है वो उसकी है, आया वो इंस्टॉलमेंट्स में है या फुल पेमेंट कैश में है। तो इसके थ्रू एक ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि जो चीज़ उनको चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज और इस इवेंट के हवाले से बात की जाए तो दिस इज गुड। ज़ाहिर है हमें लाइफ स्टाइल की बात करनी है, हमें फ्यूचर को बेहतर करने की बात करनी है। बहुत शुक्रिया हिना। लगता है कि आज के इवेंट में जर्नलिस्ट की, एंकर्स की जो इनका जो इंटरेस्ट है वो बड़ा ज़्यादा है। सलमा कौसर भी यहाँ पर आए हैं विजिट किया, जरा पूछते भी हैं कि विजिट करके कैसा लगा, एक पहला इंप्रेशन क्या आता है सलमा? शुएब, पहला इंप्रेशन ये आता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, ये ऐसी फील्ड है जिसको मंसूब कर दिया गया है मर्दों के साथ, कि ये सिर्फ मर्दों का काम है, घर के लिए प्लॉट खरीदना, उस घर बनाना, बेचना, ये सारे काम। लेकिन आप देखें कि ये हॉल भरा हुआ है, खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। मुझे देख के खुशी होती है कि खवातीन के ना सिर्फ इंटरेस्ट की चीज़ें हैं बल्कि खवातीन अब इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में भी आ रही हैं, एज प्रोफेशनल काम भी कर रही हैं। आप किसी भी रियल एस्टेट ऑफिस में जाएं तो आपको वहाँ पे भी वीमेन पार्टिसिपेशन नज़र आती है। तो मैं किसी रियल एस्टेट एजेंसी के साथ वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को इनक्रेज करने के लिए, इनको देख के मुझे खुशी होती है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, देखिए यूनिफॉर्म में इतनी खूबसूरत लड़कियाँ लग रही है, तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैम कि मुझे भी यहाँ पे होना चाहिए। कोई शक नहीं, ज़रा खवातीन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बड़ी अहम है, उनका यहाँ पर होना बड़ा अहम है। सलमा, अभी हमने ज़ाहिर है डेली बेसिस हम बात करते हैं फ्लड्स से मुतालिक और हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में बड़ी जिम्मेदारी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर, ऐसे घर ऐसी जगह पर बनाए जाएं, ऐसी सोसाइटीज बनाई जाएं, ऐसी बस्तियां आबाद की जाएं, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स पे जाएं ताकि आने वाले दिनों में हम लोगों को बसा पाएं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पर आ चुकी है। शेब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। देखिए, जब रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो एक अजम्पशन जो हम सोच चुके हैं, जो हमारे जहनों में, और जो लोग भी कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, आप ये पैसा राइटली यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? वो इलाके जहाँ पे इस वक्त सैलाब है, वहाँ पे ज़ाहिर है लोगों को घरों की जरूरत है। हम डेली बेसिस पे, आपने दुरुस्त कहा,
बात करते हैं, लेकिन वो मॉडल्स देने हैं कि कम लागत में घर कैसे तैयार हो सकता है। छोटे छोटे आशियाने, छोटे छोटे, आप अगर किसी को एक कमरे का घर भी बना के दे सके, एटलीस्ट किसी फैमिली की जरूरियात पूरी होगी। एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम, छोटी फैमिली जिसमें 3 से 4 लोगों की जरूरत के लिए काफी है, उनको छत मैसर आएगी और इससे बड़ा नेकी का काम कोई नहीं हो सकता। तो ये छोटे छोटे स्टेप से बहुत से मॉडल्स पे काम किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है थिंक टैंक बना के इनको सोचना होगा। बाजू बन सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ।